नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लीची की रेसिपी। और लीची से मैंने यहाँ पे खीर बना के तैयार किया है, जिसे बनाना बहुत इजी है और बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो बिना देर के चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर लीची का इस्तेमाल किया है। 10 से 12 लीची मैंने यहाँ पर लिया है और इसे मैं आउटर लेयर जो होता है इसे मैं छील लूँगी। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से हमें सारे लीची को छील करके रख लेना है। अब लीची के अंदर जो बीज होते हैं उसे हमें निकाल कर साइड कर देना है। और बिल्कुल इस तरह से हमें सभी लीची के बीज को एक एक करके निकाल लेना है और प्लेट में साइड करके निकाल कर रख देना है। देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, लीची एक सीजनल फल है गर्मियों में और इसे खाना बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, तो हमें सीजनल फ्रूट हमें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अब सारे लीची को मैंने यहाँ पे एक हैंड चॉपर लिया है, उसमें डालकर मैं थोड़ा सा इसे क्रश कर लूँगी। आप चाहो तो ये काम मिक्सी में भी अपने कर सकते हो। बस एक दो राउंड हमें मिक्सी का ऑन ऑफ करके हमें इस तरह से कर लेना है। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्रश हो गया है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं किया है, बस थोड़ा सा मैंने लीची को क्रश किया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूध। ये दूध 7.5 ml के लगभग दूध है। इसे हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब ये दूध अच्छी तरह से उबल जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। आप कस्टर्ड पाउडर के जगह इसमें मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो 1 लीटर दूध को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए उसे पकाकर उसे गाढ़ा भी करके यूज़ कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करके इसे थोड़ा सा गाढ़ा किया है, जिससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आए और ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। देखिए इसे 4-5 मिनट लगे पकने में और मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 बड़ा चम्मच चीनी का ऐड कर दिया है। और इसे हमें 3-4 मिनट के लिए वापस पकाना है, जब तक ये थोड़ा सा दूध थिक ना हो जाए। दूध अच्छा से गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, तब इसे हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें क्रश किया हुआ लीची इसमें ऐड कर देंगे। जितनी लीची थी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें ऐड कर देना है। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से गार्निशिंग के लिए बड़े लीची भी इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, ताकि ये देखने में भी बहुत अच्छा लगे और इसके जो बाइट है हमारे मुंह में जब आएंगे तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से लीची की खीर तैयार कर सकते हो। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें केसर भी ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और पिस्ते से गार्निश किया है। तो फ्रेंड्स, ये लीची की खीर आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी और झटपट से ये खीर बनके तैयार भी हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।